शायद आपको लग रहा होगा कैसी छोटी छोटी बातों की चर्चा कर रहे हैं, भोजन, आहार, नींद, शारीरिक श्रम। पर आपको बता दूं, यदि यह भूमिका हमने ठीक से निर्मित नहीं की तो आगे कोई यात्रा संभव नहीं है। जो लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं, सीधी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद का भेद क्या है, दुनिया को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कब तक जगत रहेगा, आवागमन से छुटकारा कैसे हो, कितने स्वर्ग हैं, नरक कितने हैं, जो इस प्रकार की बातों में उलझ जाते हैं, वे केवल दार्शनिक ऊहापोह में फंस जाते हैं। हजार प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं हर चीज पर, और हल उससे कुछ भी नहीं होता। आत्मानंद और परमानंद में, सच्चिदानंद और परमानंद में क्या अंतर है, इसको थ्योरेटिकली जानकर आप क्या करोगे? बस इतना ही होगा, जो थोड़ा बहुत आनंद जीवन में था वो भी नष्ट हो जाएगा, साधारण खुशी भी खत्म हो जाएगी। जीवन जिन मूल बुनियादों पर खड़ा है, वो जो नींव के पत्थर हैं जिनसे जीवन चल रहा है, वह महत्वपूर्ण है। आत्मा परमात्मा को भूल जाओ। यदि हमने मजबूत नींव बना ली, ऊपर का मंदिर अपने आप सुंदर बन जाएगा। अगर हमने जड़ों में पानी सींच लिया, खाद दे लिया, यह वृक्ष अपने आप बड़ा हो जाएगा। हमें पत्तों की, फूलों की, शाखाओं की, फलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा फील्ड नहीं है। इसलिए कई बार आध्यात्मिक बातें, धार्मिक चर्चाएं, एक प्रकार का सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना पैदा कर देती हैं। दूसरे तो धोखा खाते ही खाते हैं, वो बातचीत करते करते हम खुद ही भूल जाते हैं और धोखे में पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है हम बहुत महत्वपूर्ण किसी काम में लगे हुए हैं, और काम जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। हवाई बातें हैं, कोरी बातें, थोथी बातें। इसलिए हमारे देश में जहां धर्म की, अध्यात्म की इतनी चर्चा होती है, आश्चर्य कि वहां सर्वाधिक पाखंड, सर्वाधिक झूठे और बेईमान लोग हैं। ऐसा पाखंड और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण खूब अच्छे से समझ लेना। हम फूलों की बात कर रहे हैं, खुशबुओं की बात कर रहे हैं, जड़ों में खाद पानी दे नहीं रहे। इस जीवन साधना शिविर में हम उन बिंदुओं को टच कर रहे हैं जिनसे खाद पानी मिलेगा। यह शरीर साधना का बुनियादी साधन है, इसके बिना कोई आत्मिक साधना नहीं हो सकती। आत्मा को हम भूल जाएं तो चलेगा, शरीर को नहीं भूल सकते। ये ऐसे ही कोई कहे कि वीणा जो है, इसके तार, तो ये लकड़ी, ये लोहा, इनकी चर्चा ना करो, तुम तो संगीत की रागों के बारे में, उनके सुरों के बारे में बताओ। कोई लाभ नहीं सुरों के बारे में बताने से, राग समझाने से, यदि हमारी वीणा ही ठीक नहीं है, ये बजेगी ही नहीं। तो वीणा को ठीक करना जरूरी है। तो सम्यक निद्रा हो, सम्यक आहार हो,